ऑस्ट्रेलिया में भारत ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। लगातार दूसरी बार कंगारुओं को दी घर में मात। रहाड़े की अगुवाई में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया। भारत ने चौथे और आखिरी टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में वॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा के बाद ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने चौथा टेस्ट जीता है। गिल ने 91, पुजारा ने 56 रन और पंत ने नवाद 89 रन बनाए हैं। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 369 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया पहली पारी में 336 रन ही बना पाई। इसके बाद भारतीय गेंदबाज ने दूसरी पारी में मेजबान पर लगाम कस के रखा और 294 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया भारत को जीत के लिए 328 रन की ही लक्ष्य दे पाई, जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। मैडन टेस्ट शतक से चूके गिल। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल अपने मैडन टेस्ट शतक से चूक गए, लेकिन उनकी शानदार अर्धशतकीय पारी से भारत ने टी ब्रेक 3 विकेट पर 183 रन बनाकर मेजबान पर दबाव बना लिया था। भारत ने दूसरे सेशन में उनके अलावा कप्तान रहाड़े का विकेट भी गवाया। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने पंत के साथ मिलकर पारी को संभाला। रोहित शर्मा के सुबह जल्दी आउट होने के बाद गिल और पुजारा ने दूसरे विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी की। इस 21 वर्षीय बल्लेबाज ने सहजता से कट और ड्राइव लगा और कुछ शॉट पिच गेंदों खूबसूरत पुल शॉट भी लगाए। उन्होंने अपना दूसरा अर्धशतक पूरा करने के बाद मिचेल स्टॉक को बाउंसर को बैकवर्ड पॉइंट पर 6 रन के लिए भी भेजा। गिल ने नाथन लॉयन की ऑफ स्टंप में बाहर जाती गेंद को ड्राइव करने की कोशिश में स्लिप में स्टीव स्मिथ को कैच दे दिया। गिल ने 146 गेंद खेली तथा 8 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद रहाड़े केमिस की गेंद पर आउट हो गए। पुजारा और पंत बने ढाल। रहाड़े के आउट होने के बाद पुजारा और पंत टीम की ढाल बने। दोनों को बीच 61 रन की साझेदारी हुई। 228 रन के स्कोर पर भारत को चेतेश्वर पुजारा के रूप में चौथा झटका लगा। पुजारा केमिस की गेंद पर LBW आउट हुए। इसके बाद पंत ने जिम्मेदारी संभाली और मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर 37 रन की साझेदारी की। मयंक अग्रवाल एक बार फिर फ्लॉप रहे और 9 रन बनाकर केमिस के शिकार बने। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने पंत को दूसरी छोर पर साथ देकर भारत की जीत का लगभग पक्का कर दिया। सुंदर 22 रन बनाकर लाथन की गेंद पर वोल्ड हो गए। इसके बाद शार्दुल ठाकुर भी 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 325 रन पर 7वां झटका लगने के बाद नवदीप सैनी क्रीज पर आए, मगर उस समय स्ट्राइक पंत के पास ही थी और पंत ने विजय चौका जड़कर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। टीम इंडिया की शानदार जीत के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।